हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग जो साइट इंजन होते हैं, उनको पता नहीं होता है क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, फुटिंग का कवर कितना होना चाहिए, कॉलम में कवर कितना होना चाहिए, उसके बारे में पूरा आज डिटेल में आपको बताने वाला गाइस। जैसे कि मैं बताने जा रहा था, ये मेरी एक ड्राइंग है, ये प्लान है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफेक्टिव क्या होता है, कितना टॉलरेंस होना चाहिए मेरा, तो उसी सब के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ गाइस। जैसे कि ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन है कॉलम का गाइस, ये कॉलम का आउटर फेस है, ये मेरा रिंग हो गया। इसके बाद मेरा वर्टिकल मतलब मैन वार जो होता है उसको, ठीक है। क्लियर कवर किसके बोलते हैं? क्लियर कवर गाइस मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेरा मेन कॉलम होता है, एक कॉलम का कंक्रीट है, कॉलम का कंक्रीट से, और जो आउटर होता है ना गाइस, जो कॉलम के आउटर फेस से, रिंग का आउटर फेस जो होता है वो मेरा क्लियर कवर कहलाता है। कॉलम के आउटर फेस से रिंग के आउटर फेस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो मेरा क्लियर कवर कहलाता है गाइस। जैसे कि मेरा क्लियर कवर कॉलम के लिए होता है गाइस 40 mm का, बराबर। अब इफेक्टिव कवर क्या होता है? इफेक्टिव कवर गाइस होता है, ये मेरा कॉलम का आउटर फेस हो गया, RCC आउटर फेस, ये मेरा रिंग हो गया, स्ट्रप जिसे बोलते हैं, उसके बाद जो मेन वर्टिकल बार आता है उसका हाफ मतलब उसके मिडिल सेंटर, उसका जो सेंटर आता है वर्टिकल बार का, उसके सेंटर से और मेरा कॉलम का जो आउटर फेस होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा गाइस इफेक्टिव कवर होता है। क्या होता है? इफेक्टिव कवर। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आपको गाइस। जैसे क्लियर कवर क्या होता है, कॉलम का आउटर फेस, मेरा कंक्रीट का आउटर फेस से रिंग के आउटर फेस की जो डिस्टेंस होती है वो क्लियर कवर होता है। और इफेक्टिव कवर क्या होता है, कॉलम का आउटर फेस से मेरा वर्टिकल जो मेन बार होता है उसके सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो मेरा इफेक्टिव कवर होता है। गाइज मैं कम बताता हूँ लेकिन जो भी बताऊँगा सॉलिड बताऊँगा, उसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा गाइज। जैसे कि फुटिंग के बारे में आपको डिटेल बताऊँ, फुटिंग में कितना कवर होना चाहिए? 50 mm। कॉलम में कितना कवर होना चाहिए? 40 mm गाइज। बीम में कितना कवर होना चाहिए? 25 mm। स्लैब में कितना होना चाहिए? 20 mm। स्टेरकेस में 15 mm, छज्जा में 15 mm, और पाइल में 60 mm, और पाइल कैप में 60 mm। पाइल और पाइल कैप ये दोनों गाइस, दोनों में 60 mm ही कवर लेते हैं। अब कवर का टॉलरेंस, अब गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ IS कोड के अनुसार, IS कोड 456-2000 के अनुसार गाइस कितना टॉलरेंस होना चाहिए कवर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस साइट इंजीनियर के लिए, जो साइट इंजीनियर है, जो मेरे फ्रेशर गाइस हैं उनके सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कितना इसका टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि कवर अपने RCC में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि टॉलरेंस है, टॉलरेंस क्या होता है, +10 mm हो सकता है लेकिन -0 ही रहेगा। माइनस मतलब -5 चलेगा, -10 चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस प्लस मतलब अगर मेरा फुटिंग का कवर 50 mm लगाते हैं उसमें अगर 60 mm मिल रहा तो चलेगा, लेकिन 50 की जगह 40 नहीं कर सकते हैं। कवर का इम्पोर्टेंस क्या होता है गाइस, कवर हम क्यों लगाते हैं, मेन मेरा पॉइंट ये है, कवर हम क्यों लगाते हैं? कवर मेनली हम गाइस इसलिए लगाते हैं, जो अर्थ क्यूब आता है, वो क्या बोलते हैं, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर और अपने स्टील होता है मेरा, क्या स्टील है, स्टील में कभी मॉइस्चर ना जाए, करोजन ना पकड़े, इसलिए हम कवर को रखते हैं। इसलिए ये कवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा मॉइस्चर कॉलम के अंदर घुस जाएगा तो क्या करेगा वो, कसर अपना जो स्टील है उसको रस्ट कर देगा गाइस। इसलिए IS कोड ने सबके लिए अलग अलग कवर डिसाइड किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब IS कोड के हिसाब से ही है गाइस, ये कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलो मैं गाइस एक दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, बेंड डिडक्शन क्या होता है। बेंड डिडक्शन गाइस, जैसे कि मेरा अगर बार, मेरा कोई स्ट्रप है, अगर 45 डिग्री हम बेंड करते हैं तो उसमें 1D डिडक्शन होता है। 1D गाइस क्या होता है, 1 × अगर 8 mm का डाया तो मेरा क्या होगा, 8 mm ये बढ़ जाएगा, ये 8 mm बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, 8 mm पहले से डिडक्शन करेंगे। अगर मैं क्या बोलते हैं 90 डिग्री अगर मैं बेंड करता हूँ किसी बार को तो मेरा 2D डिडक्शन करना पड़ेगा। 135 डिग्री अगर मैं किसी बार को बेंड करता हूँ गाइस तो मेरा 3D डिडक्शन करना पड़ेगा, 3D। अगर मैं 180 डिग्री गाइस किसी बार को बेंड करता हूँ मैं तो मेरा 4D डिडक्शन करना पड़ेगा। समझ रहे होंगे गाइस, तो इस सब के बारे में आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच,
और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी जल्दी नया नया वीडियो लाने वाला हूँ बहुत बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में। ओके।